सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कैनाइन वर्ल्ड हिंदी में। पपी के साथ आपकी पहली रात काफी ज्यादा मुश्किल और इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी रात ना सो पाओ, क्योंकि पपी रोते हैं, बार्क करते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एक्साइटेड और खुश तो होते हो, लेकिन आपका पपी जो होता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, स्ट्रेस में होता है। आपका काफी एनर्जी एंड टाइम भी जाएगा, क्योंकि यार जो आपका पपी होता है वो आपके छोटे से प्यारे से बच्चे जैसा होता है। अगर आप पपी लेने वाले हो या अगर आपने अभी अभी पपी लिया है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि यार मैं इस पपी का रात में ख्याल कैसे रखूंगा या रखूंगी। तो यार इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी टिप्स दूंगा कि कैसे आप पपी की पहली रात में उसका इजीली ख्याल रख सकते हो। और हाँ यार, वीडियो को पूरा देखना भाई, हर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। छोटी सी वीडियो है यार, अपने प्यारे से पपी के लिए पूरी देख लो और बस मुझे प्रॉमिस करो कि आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे। बाकी चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज है कि जहां भी आपका पपी सोता है वहां उसके आसपास आप उसके टॉयज रख दें। जो पपी के टॉयज आते हैं या कोई भी उसका फेवरेट सामान है वो उसके आसपास रख दें, क्योंकि यार समझो वो अपनी मम्मी से, अपने भाइयों और बहनों से अलग हुआ है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। जब पपी अपने भाइयों और बहनों के साथ सोते हैं तो उसमें चिपक के सोते हैं, लेकिन यहाँ पपी अकेला है तो वो डर गया है, थोड़ा सा सहमा हुआ है। तो अगर आप उसके टॉयज या उसका फेवरेट सामान उसके आसपास रख देंगे तो पपी उसमें चिपक के कंफर्टेबली सो सकता है। एक बहुत ही अच्छा सा टॉय है जो मैंने खुद ही यूज किया है एंड उसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। काफी सस्ता भी है और टॉय की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, क्राइंग। अब देखो यार, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर पपी रात में उठ के रोता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। हर पपी रोता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ जाना है उसके पास, प्यार से बैठना है, उसे प्यार करना है, सहलाना है, क्योंकि यार वो पपी है, वो आपके बच्चे की तरह है। अगर आप उसे रोते हुए छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा डर जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है। सो यार प्यार करो उसे और ट्राई करो कि आप और वो जो पपी है जो आप लाए हैं वो सेम ही रूम में सो, जिससे आप पपी का और अच्छे से ध्यान रख पाओ। और अगर हो सके, अगर वो पपी रोना बंद नहीं कर रहा है, तो उसकी फेवरेट ट्रीट या टॉय उसको दे दो। एक और गलती है जो मैंने बहुत सारे ओनर्स को करते हुए देखा है कि जब भी पपी रात में रोता है तो लोग उसे खाना दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है गाइस, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, पपी की आदतें बिगड़ेंगी और हो सकता है रात में जो आपने उसे फूड दिया है वो डाइजेस्ट भी ना हो, तो ये आपको नहीं करना है। हाँ, पानी वानी वगैरह दे सकते हैं, छोटा मोटा ट्रीट दे सकते हैं उसे, लेकिन खाना मत देना। और यार जिस दिन आप अपने पपी को लाओगे उस दिन पपी को शाम या रात में मत लाना प्लीज। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सुबह या मैक्सिमम दोपहर तक पपी को ले आओगे तो पपी को टाइम मिलेगा घर में घूमने का, घर को जानने का, आपको भी थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाएगा पपी, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा वो, तो पपी के डरने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और देखिए, जितना आप और आपका पपी एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। बाकी यार जमीन पे मत सुलाना यार पपी को, मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी करते हुए देखा है। समझो यार वो आपके बच्चे की तरह है, बहुत बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। जमीन पर अगर आप पपी को सुलाते हैं तो उसे ठंड लग सकती है, कीड़े उसके आंख या कान में जा सकते हैं, तो यार आप उसे छोटा सा कंफर्टेबल सा बेड दे दीजिए अपने ही रूम में। अगर ज्यादा ठंड हो रही है तो आप पपी को ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं। और यार दो तीन दिन तो आपको अपने काम से छुट्टी लेना होगा और अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पपी को देना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पपी को एक ब्रीडर से ले रहे हो, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि एक ब्रीडर से पपी को लीजिए, तो पहले जब वहां पे पपी रहता था तो पपी की कोई चीज होगी या पपी के मदर की कोई चीज होगी तो वो चीज आप ब्रीडर से ले लें, क्योंकि यार उस चीज में पपी के मदर की, पपी के भाइयों बहनों की, उस जगह की स्मेल होगी, तो पपी के अगर आसपास वो चीज रहेगी तो पपी बहुत ही कंफर्टेबली सो जाएगा रात को। बाकी यार मैं जानता हूं आप पपी को संभाल लोगे, बस इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना। और टॉयज वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है, टॉयज वाली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो टॉय परचेज कर सकते हो। पपी के साथ एक टॉय हमेशा रहना चाहिए।
ऑल द बेस्ट गाइस, यही थे कुछ टिप्स कि आप कैसे पपी का ख्याल रख सकते हो रात में। वीडियो पसंद आती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।